क्योंकि 2000 रुपये हराम के तो आते नहीं है, बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं 2000 रुपये, और 2000 रुपये तो वहाँ जमा कर दोगे। और हाँ, पहले 2000 रुपये का सीन ये था कि रिफंड हो जाते थे, अब 1 रुपया भी रिफंड नहीं होता भाई। 2000 दे दिए तो चाहे तुम कल भी स्कूटी जमा करने जा रहे हो, जब भी नहीं मिलेगा वो 2000 रुपये। तो यूट्यूब पे देख रहा हूँ, सब बंदे कह रहे बहुत फायदा है, बहुत फायदा है, ले लो कर लो, ये कर लो वो कर लो, वहाँ चला लो वहाँ चला लो, बहुत फायदा है भाई। फायदा है मैं मान रहा हूँ, पर किन का फायदा पता है? जो स्कूटी सिर्फ स्कूटी लेकर आ रहे हैं और अपनी चला रहे हैं, अपने ऑर्डर मार रहे हैं किसी और उसके अंदर, तब फायदा है। लेकिन इसका अगर तुम कंपनी के थ्रू लेकर आ रहे हो स्कूटी के, हाँ इस कंपनी में काम करना और यही कंपनी के थ्रू मैं ये स्कूटी लेकर जा रहा हूँ, तब तुम काम कर रहे हो तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला भाई। व्हाट्सअप एवरीवन, तो क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद है सर भाई बेस्ट होंगे। एक और नया दिन, एक और नया ब्लॉग। तो आज ब्लॉग की शुरुआत कुछ गलत तरीके से करेंगे। गलत मतलब जो अमित स्कूटी लेकर आया था, अमित को तो तुम सब जानते ही हो, अमित स्कूटी लेकर आया था डिलीवरी के लिए, आज वो स्कूटी जानी है वापस करने, और शायद आज पंगा भी हो जाए वहां पे कुछ, क्योंकि जिस बंदे ने स्कूटी दी थी ना ATL ने भाई, बहुत चूतिया बना के स्कूटी दी थी, बहुत चूतिया बना के। स्कूटी वालों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनका तो काम है भाई, उन्होंने तो सीधे शब्दों में समझा दिया था कि ऐसे स्कूटी ले जाओ और इतना पर डे का देते रहना भाई। सब बताऊंगा आखिर में, मतलब पहले जाके जमा करा दे, जमा करा के आने के बाद तुम्हें सब बताऊंगा कि कैसे हमारे TL ने पागल काटा है, स्कूटी लेने का फायदा है या नहीं है भाई। इतना मैं कह रहा हूँ भाई, अगर स्कूटी ले लोगे ना, कभी सोचोगे ना लेने के लिए, तो भाई किसी भी ब्रांड की ले लेना इलेक्ट्रिक स्कूटी डिलीवरी के लिए, लेकिन भाई कम से कम 100 से 200 बार सोच लेना, उसके बाद लेना। बाकी तो मैं हूं ना, तुम टेंशन मत लो, पूरी बात बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं है। इंस्टाग्राम पे आ जाओ भाई, मतलब किसी को पर्सनली जाननी है तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, जो पूछना वो बताऊंगा, खुल के बताऊंगा। यूट्यूब पे तुम जानते हो थोड़ा बहुत लफड़ा बताने में, पूरी बात खुल के नहीं बता सकता। हाँ, हिंट जरूर दे सकता हूँ, और हिंट के आज थोड़ा कुछ ज्यादा ही बताऊंगा, लेकिन अगर पूरे बात जाननी है या डायरेक्टली बात करके पूछना है कि भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा कैसा नहीं रहा, तो भाई वो सब बताऊंगा तुम्हें मैं। इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कॉल कर लो, नंबर वंबर सब दे दूंगा। बस एक बार मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ये फंसा ना मेरा दोस्त, दो तीन फंस गए जो, ऐसे भाई और कोई भाई ना फंसे। बस पूरी बात बताऊंगा, पहले स्कूटी जमा करके आते हैं, पर फिलहाल अभी ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन से आने के बाद फिर स्कूटी जमा करने जाएंगे। हम सब जा रहे हैं भाई स्कूटी जमा करने। स्कूटी एक बार जमा हो जाए, जमा होने के बाद घर आऊंगा, तसल्ली से बैठूंगा, तसल्ली से बताऊंगा पूरी बातचीत। तुम खुद भी कहोगे मतलब तुम भी खुद 10 बार सोचोगे कि ले या ना ले, ऐसी ऐसी बातें भाई बताऊंगा पूरी। स्कूटी वालों की गलती तो है थोड़ी बहुत, है नहीं है, पर सबसे ज्यादा गलती है भाई TL की, सारी बताऊंगा, सारी बताऊंगा तुम्हें भाई। अब मैं तुम्हें रियलिटी बताता हूँ इसकी। कल मैं स्कूटी रिटर्न करने गया था, स्कूटी रिटर्न नहीं कर पाया क्योंकि बहुत भीड़ थी, इसलिए मैं अपना घर वापस आ गया। तो भाई अब मैं तुम्हें बताता हूँ इनकी असलियत, कि ये कैसे पागल बनाते हैं और कैसे नहीं बनाते भाई। स्कूटी का सीधा फंडा ये है कि जब तुम जाते हो तो इसके लिए कुछ पैसा तुम्हें जमा करना होता है, अगर तुम्हें स्कूटी लेनी है तो, और सिक्योरिटी का पैसा है 2000 रुपये। वो 2000 रुपये तुम्हें पहले जमा करना पड़ेगा, उसके बाद फिर तुम्हें वो बताते हैं कि अगर तुम, हाँ बताते ही नहीं है पूरी बात, यही मैं बोलने वाला था, पूरी बात बताते नहीं है, सीधी बोलते हैं 45 रुपये दिन का चार्ज है, ये नहीं बताते कि इतने तक का काम करोगे तो ये है, नहीं इतने तक का नहीं करोगे तो इतना कटेगा, ये नहीं बताते, सीधे बात एक ही बोलते, सिर्फ 45 रुपये कटेगा। हम खुद हो जाते 45 रुपये कटेगा, कोई बात नहीं, बस सीधा ऐसे बता देते हैं, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। स्कूटी का फंडा भाई यही है कि 2000 रुपये जमा करो, स्कूटी अपनी ले आओ और दिन का 200 रुपये देते रहो, 200 रुपये वो जब तक है, अगर तुम 300-400 रुपये 350 समथिंग का काम नहीं करते जब तक। मेरे दोस्त ने 15 दिन काम किया भाई इसमें, और अर्निंग कितनी थी खुद ही सोचो, 15 दिन में क्या अर्निंग हो सकती है भाई। अगर मैं होटल लाइन में भी काम करता ना, 15 दिन के अंदर मैं कम से कम 7-8 हज़ार रुपये कमा लेता, या किसी भी लाइन में काम करता मैं 15 दिन में 7-8 हज़ार रुपये कमा सकता था आराम से। लेकिन यहाँ कितने कमाई करी है उसने बंदे ने, सिर्फ 38 रुपये, सोच सकते हो, सिर्फ 38 रुपये कमाई करी 15 दिन के अंदर, क्योंकि दिन का 200 रुपये उसका चार्ज कट रहा था। वो कह रहा 200 रुपये चार्ज कैसे कट रहा है, रोज 200 रुपये कट जा रहे। तब बाद में पता चला भाई कि 350 से ऊपर का काम करोगे जब तुम्हारे 45 रुपये चार्ज कटेगा, 45 नहीं 90, और उससे ऊपर का काम करोगे 500 रुपये से ऊपर का तब 45 कटेगा। और ये बात हमें TL ने नहीं बताई। तो भाई मैं पहले बोल रहा हूँ, जो तुम्हारी ID बनाएगा TL हो, TL बोलते हो टीम लीडर भाई, महागांडू लोग होते हैं भाई। मैं गाली देना नहीं चाहता पर रियलिटी बताऊँ, मुंह से गाली ही निकल रही है क्योंकि मैंने भाई देखा है अपने आंखों से, बहुत हरामी बंदे होते हैं TL, इनकी बात पर कभी विश्वास मत करना, बहुत हरामी बंदे होते हैं ये। तुम्हें देते समय चूतिया बनाते हैं, पूरा चूतिया बनाएंगे और तुम्हें काटेंगे, मक्खन लगाएंगे। उसका रीजन ये होता है कि मतलब इनको ना हर ID पे पैसा मिलता है। तुम्हारी ID बनाने जा रहे हैं, 2000 रुपये जमा करके तुमने ID बना ली, इनको हर ID पे 500 1000 500 1000 हर ID पे पैसा मिलता है। तो दिन में करने के 10 लोग भी आ गए तो आराम से 5-10 हज़ार रुपये अपने आराम से अंदर कर लेते हैं।
तो इनको तो चूतिया बना के स्कूटी देना होता है और आईडी क्रिएट करनी होती है। अब बताता हूँ, जब मेरा दोस्त आईडी बनाने गया भाई, तो इन्होंने बोला कि भाई मेरे को इसमें काम नहीं करना, मेरे को दूसरी वाली उसमें काम करना है। तो उसने बोला कि इसमें दो दिन काम करके देखो, और जब इसमें दो दिन काम कर लोगे तुम तो अगर पसंद आया ठीक है, नहीं आया तो तुम्हारी शिफ्ट भी चेंज कर दूंगा और दूसरे में तुम्हारी आईडी ट्रांसफर कर दूंगा। तो फिर हमने कहा दो दिन की तो बात है, एक बार करके देख लेते हैं। तो वो बंदा गया, दो दिन काम किया, मैं भी गया था उसके साथ। तो उसकी शिफ्ट थी 6 से रात को 2:30 बजे तक, उन्होंने प्रॉपर काम किया, ठीक है, शिफ्ट भी पूरी कर रहे हैं। शिफ्ट पूरी करने के बाद भी पैसा माइनस में जा रहा है यार, ये बिलीव नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ऑर्डर ही नहीं दे रहे। वो ऑर्डर 8 ऑर्डर आ रहे हैं, 8 ऑर्डर में क्या हो रहा है, 250 रुपए बन रहे रोज, वो 250 रुपए कट जा रहे हैं, क्या मिल रहा है 50 रुपए, वो भी 50 रुपए टीडीएस पीडीएस पता नहीं क्या क्या लगा लगा के वो 50 रुपए भी काट ले रहे हैं। तो ये हाल था इनको। उसके बाद जब फोन करा बोला भैया शिफ्ट चेंज कर दो, दूसरे उसमें डाल दो मेरी आईडी, तो बोलता है यार अभी तो हो नहीं पा रहा, टाइम लगेगा यार, अभी तो हो नहीं पा रहा, टाइम लगेगा। तो रोज भागने मारने लग गया भाई। अब 15 दिन बाद मजबूरन जाकर उसको स्कूटी रिटर्न करनी पड़ी। लेकिन इनको हाँ, स्कूटी लेते समय जब दे रहा था तो देते समय उन्होंने 10 बातें बताई, ले लो, ये फायदा है, वो फायदा है, टाइम लिमिट नहीं है, जब मर्जी काम करना करो, नहीं करना मत करो, फुल मक्खन लगाया उसने स्कूटी देते समय, क्योंकि उसको पैसा मिलना था। लेकिन जब स्कूटी हम रिटर्न करने का, हमने बोला भैया स्कूटी रिटर्न करने आ रहे, कह रहा हाँ आ जाओ कोई दिक्कत नहीं, उसको बढ़िया ये वाली स्कूटी लेगा, 2 दिन बाद फिर ये स्कूटी किसी और को दे देगा, उसको उस पर भी पैसा मिलेगा, फिर एक नई आईडी बन जाएगी उसके लिए। तो भाई यही कह रहा हूँ, स्कूटी लेने जाओगे 10 बार सोच लेना, 10 बार कम से कम, 10 भी मतलब 1000 बार भी सोचोगे वो भी कम है। और किसी से पहले बात कर लेना, जो तुम्हारे आसपास जोन में काम वाम कर रहा हो बंदा, उससे कंफर्म कर लेना। और मैं तुम्हें अब भी कह रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे आ जाओ भाई, खुल के नहीं बता रहे हैं बहुत बातें, ऐसे जो बातें बताऊंगा ना तो मैं तुम्हारा मन खट्टा हो जाएगा। और हाँ, अगर स्कूटी तुम इतने बाद भी लेकर आते हो तो भाई सीधे शब्दों में कह रहा हूँ, कंपनी का रूल ऑफ रेगुलेशन के हिसाब से चलोगे, मतलब कंपनी के थ्रू लेकर आते हो स्कूटी, तो भाई बहुत बड़ी गलती करोगे। और हाँ, स्कूटी लाओ, दिन का 200 रुपये रेंट है, मैं मानता हूँ कटेगा, ठीक है, लेकिन एक चीज देखो, अगर तुम 400-500 रुपये का काम करोगे तो मात्र 45 कटेगा, पहली बात ये। और अगर 500 का काम भी करते हो तो 200 कटेगा उसमें से। तो अगर लाते हो स्कूटी तो अगर तुम कमाना जानते हो ना भाई, तुम कमाना जानते हो अगर दिमाग से अपने, तो तुम कुछ भी कमा लोगे। लेकिन कंपनी का रूल ऑफ रेगुलेशन के हिसाब से मत चलना, कुछ नहीं मिलने वाला, जिंदगी झंड कर देते हैं ये लोग। और 15-20 दिन तुमसे सब कुछ करवा लेंगे पर लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। 15 दिन की अर्निंग हो सका अगर स्क्रीनशॉट मैं मांग सकता हूँ, अगर मेरे को स्क्रीनशॉट दे देगा ना तो मैं इसमें डालूंगा, मैं दिखाऊंगा तुम्हें कि 15 दिन की अर्निंग क्या दिखा रहा है। 38 रुपये अर्निंग दिखाई थी 15 दिन में। तो वही चीज़ कह रहा हूँ भाई, सोच समझ के लेना। यूट्यूब पे देख रहा हूँ सब बंदे कह रहे बहुत फायदा है, बहुत फायदा है, ले लो, कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वहाँ चला लो, वहाँ चला लो, बहुत फायदा है। भाई फायदा है मैं मान रहा, पर किन का फायदा पता है? जो स्कूटी सिर्फ स्कूटी लेकर आ रहे हैं और अपनी चला रहे हैं, अपने ऑर्डर मार रहे हैं किसी और उसके अंदर, तब फायदा है। लेकिन इसका अगर तुम कंपनी के थ्रू लेकर आ रहे हो स्कूटी के, हाँ इस कंपनी में काम करना और यही कंपनी के थ्रू मैं ये स्कूटी लेकर जा रहा हूँ, तब तुम काम कर रहे हो तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला भाई, कुछ भी नहीं मिलने वाला, सारा प्रॉफिट कंपनी को शिफ्ट हो जाएगा। तो वही कह रहा हूँ भाई, टीएल की बातों में मत आना, कितना भी भड़काए, कितने भी अच्छे तरीके से बताए, कितने भी 10 फायदे बना बता दे, मत आना उसकी बातों पर। उसके बातों पर तो स्कूटी लेके ही मत आना, 50 लोगों से पहले पूछ पाछ लेना भाई, उसके बाद स्कूटी लेकर आना। और खाली स्कूटी लाओगे तो मैंने जैसे बताया ना कि अपने उस पर से काम करना भाई, अपने तरीके से, बस तो ही फायदा है, नहीं तो कोई फायदा, क्योंकि 2000 रुपये हराम के तो आते नहीं है, बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं 2000 रुपये। और 2000 रुपये तो वहाँ जमा कर दोगे, और हाँ पहले 2000 रुपये का सीन ये था कि रिफंड हो जाते थे, अब 1 रुपया भी रिफंड नहीं होता भाई, 2000 दे दिए तो चाहे तुम कल भी स्कूटी जमा करने जा रहे हो, जब भी नहीं मिलेगा वो 2000 रुपये तुम्हें, इतना याद रखना। तो सोच समझ के लेना। तो बस भाई यही है मेरा काम था, तुम तक पहुंचाना भाई, आगे तुम्हारी मर्जी है, बस मर्जी है भाई, मैं तो जो समझाना चाहता मैंने समझा दिया, अब देख लेना आप लोग। और बाकी वही है, ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।